फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे डीएम के तरफ से एक प्यारा सा लव लेटर। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स, हीलिंग्स या जो कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, देखते हैं आपके डीएम आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं वो आपको लव लेटर में। तो अभी इसी समय अपने डीएम को अपने ध्यान में लेकर आए, सोचे उनके बारे में, ताकि हम उनका एनर्जी चैनल करके इस रीडिंग को ले पाए और आपके साथ काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस रेजोनेट हो। ठीक है, तो मैं कुछ मैसेजेस वाला भी लेने वाली हूँ, बट ये बेसिकली मेन पॉइंट्स रहने वाले हैं, लेकिन हम डायरेक्ट मैसेजेस भी लेने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए, काफ़ी ज़्यादा बात करना चाहते हैं आपके डीएम आपसे। तो कहीं ना कहीं डीएम कह रहे हैं कि उनको आपका प्लेफुल नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको आपको बहुत ज़्यादा जानने की, समझने की इच्छा होती थी जब आप बहुत ज़्यादा प्लेफुल थे, और आपको जितना उन्होंने जाना है, समझा है, यही पता है उनको कि आप जब बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे, इंजॉइंग थे, एक रिफ्रेशमेंट जैसे थे आप उनके लाइफ में, और वो जान आपकी ज़िंदगी में कहाँ गई। अब आप फिर से एक एफर्ट करो, अपने पास्ट को रिलीज़ करो और वापस से पहली जैसी इनोसेंट, लवली, बबली सी वो लड़की हो जाओ जो जिससे उन्होंने पहले कभी प्यार किया था। वो कह रहे, मानता हूँ कि हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस और मेरी पर्सनल लाइफ ने तुम्हारे हेल्थ को और तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, बट उस एनर्जी को वापस लेकर आओ, उस अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने दो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओ, इस जर्नी से ऑब्सेस्ड मत रहो, इस जर्नी से इतना ये मत करो कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा इन्जॉय करो, दूसरों को एक चांस दो, अपनी ज़िंदगी को एक चांस दो, और अपने जो एक्सपीरियंसेस है, जो आपका फीलिंग्स है, आपका लव है, उसको ओपनली मतलब एक्सप्रेस किया करो जैसे पहले किया करते थे, अपने आप को वैसे ही रखो जैसे पहले रखते थे, कंट्रोल इश्यूज़ को जाने दो, हो गया है ये सब, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है यहाँ पर, जो चीज़ों को मैंने पहले रेड फ्लैग्स की तरह देखा वो बहुत ज़्यादा, वही चीज़ों से मैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड था तुमसे, तो अभी मैं अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ और तुम अपने आप पे ध्यान दो और अपने पास्ट को जाने दो और अपने फ्यूचर को एक चांस दो। ठीक है, पास्ट से अटक कर मत रहो, जो था अच्छा वो अच्छे पे स्टक रहकर अपने आप को दुखी मत करो, और अपने आप को फिर से ऐसे एनर्जी में लेकर आओ जिससे फिर से बहुत सारी अच्छी मेमोरीज आप अपने लाइफ में क्रिएट कर पाओ। तो ये कहना है आपके डीएम का, देखते हैं डायरेक्ट मैसेजेस में क्या कह रहे हैं आपको। काफी अच्छे मैसेजेस दिए हैं आपके डीएम में, कह रहे हैं कि मैं तभी तुम्हारे लिए रेडी नहीं था, आई जस्ट वाजंट रेडी फॉर यू, आई थॉट अबाउट यू लेटली। तो हर चीज, हर पास्ट के बात को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आई नो यू आर राइट बट आई नीडेड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन्स, कह रहे हैं कि अगर आपने उनको समझाने की कोशिश की, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताने की कोशिश की, तो जानते हो समझते हैं कि आप सही थे, बट वो जब तक खुद वो बात को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे, वो उस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। आई एम सॉरी आई कुड नॉट बी विथ यू, बहुत बार सॉरी कह रहे हैं, आई मिस यू कह रहे हैं, हाउ ऑफ रिगार्डलेस ऑफ हाउ सीम, तो बहुत ज़्यादा आपको मिस भी किया जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, वो बिल्कुल भी मेरे बारे में नहीं सोचता होगा, लेकिन ऐसा सीन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव समथिंग राइट नाउ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस समय उनको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ को सॉर्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए उनका सारा ध्यान वहाँ पर है,
इफ आई नो व्हाट आई न्यू टुडे आई वुड मेक डिफरेंट चॉइसेस. तो कह रहे हैं कि अब समझ गए हैं वो कि आप बहुत सही थे, लेकिन अगर वो ये पहले जानते तो ऐसे कोई डिजास्ट्रस डिसीजन लेते ही नहीं. आई शुड हैव बीन ऑनेस्ट विथ यू, इज इट पॉसिबल टू बी फॉरगिव एंड फॉरगेट. तो कहीं ना कहीं अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना सच्चाई तुमको दिखाना चाहिए था और ऑनेस्ट होना चाहिए था, एंड आई एम फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शन एंड आई स्टिल लव यू. तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी गलत डिसीजंस लिए अब उनका उनको फेस करना पड़ रहा है और कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. तो आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय.